92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ओम की लिखी कहानी बाबूजी की खामोशी बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के 6:30 बजे राहुल कैच है की तेज आवाज से नींद खुली थी। उठ के खिड़की खोली, जंगले के उस पार मैदान में मैच चल रहा था। 2 मिनट रुक के वापस खिड़की की किवाड़ सटा के सीढ़ियों से नीचे आ गया। माँ ने चाय का प्याला पकड़ाया ही था कि बाबूजी की नजर मुझ पे पड़ी। बोले, कभी तो जल्दी उठ के पढ़ लिया कर, ऐसे ही सोता रहा तो पूरी जिंदगी इसी गली में किसी दुकान पे हिसाब लगाते गुजर जाएगी। माँ चुप रही पर धीरे से मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझको ऊपर अपने कमरे में जाने को कहा। मैं चेहरे पर रात की उबासी और पिताजी की बेरुखी लेके ऊपर कमरे में आ गया। खिड़की से आती आवाज ने बताया कि मैच अभी चल रहा था। याद शहर की गली नंबर 8 के मकान नंबर 403 में सुबह रोज ऐसी ही होती थी। मैंने अपनी खुशियों को हमेशा खिड़की के जंगले के उस पार देखा था। जिंदगी उस जंगले से टकरा कर लौट जाती थी और रह जाती थी तो बस बाबूजी की जिद। बाबूजी पेशे से प्रिंसिपल हैं, पर मैं बिना दोबारा सोचे कह सकता हूं कि उनको खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं काबिल न सही, पर किसी की आंखें और सांसों की रफ्तार पढ़ सकता हूं। पर वो शायद आज भी जिंदगी को किसी किताब में लिखी लाइन की तरह हर्फ बहर्फ ही पढ़ते हैं, या शायद पढ़ना चाहते हैं। उनके नियम किसी पुरानी जंजीर की तरह घर के हर शख्स के अरमानों को बांधे हुए हैं। जैसे माँ उनसे पहले उठ के रोज सुबह चाय ठीक 6 बजे उनको देंगी और उसमें चीनी कभी ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे माँ की आंख कभी देर तक नहीं लग सकती थी, या चीनी के दाने कभी माँ को धोखा नहीं दे सकते थे। बाबूजी की अलमारी को छूना गुनाह है, और घड़ी, पावर का चश्मा और डायरी सब किसी पुरानी तस्वीर की तरह कभी अपनी जगह नहीं बदल सकते। कुछ मेरी आदत है और थोड़ी घुटन। बाबूजी को मुझसे जितनी नाराजगी है, मुझे उनकी इस जिद्दी तयशुदा जिंदगी से उतना ही एतराज है। इस अनकही सी दूरी के चलते मैं रोज घर और कॉलेज में बाबूजी की नजरों के सामने पड़ने से बचता हूं, और बीते कुछ दिनों से यह अनकही दूरी बिना शब्दों का सहारा लिए और लंबी हो गई थी। हालातों के बार बार बदलते मौसम देखते देखते पर क्या फायदा था, बाबूजी की नजर में मैं आज भी नासमझ ही था। आज कॉलेज का माहौल थोड़ा सीरियस था, 11वीं का रिजल्ट आ रहा था। मैं भी थोड़ा परेशान था, क्योंकि बाबूजी के फैसले के खिलाफ ये मेरी पहली कोशिश थी, और मुझको लग रहा था कि शायद मेरी कोशिश बाबूजी को मेरी बात समझा सकती है। मैं चुपचाप क्लास के बाहर घूम रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, मनीष मनीष। मैं वहीं रुक गया। मास्टर साहब आए और हांफते हुए बोले, कब से आवाज दे रहा हूं, सुनता क्यों नहीं? 11वीं की फाइनल एग्जाम में तूने कॉलेज में टॉप किया है, और मैथ्स में तो 98% मार्क्स मिले हैं। आज तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत नाज होगा। पर मैं चुप रहा, क्या बोलता? बाबूजी नाज तो दूर, प्यार भी करना भूल गए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। बाबूजी को तुम पे नाज होगा, कुछ बातें जैसे बिना काटे घाव कर देती हैं, और यादों के हर मौसम के दर्द बिना वजह बस कुरेदते रहते हैं। मास्टर साहब को क्या मालूम था कि बाबूजी को नाज तो सिर्फ अपने फैसलों पे होता है। कॉलेज में क्रिकेट टीम के लिए जब मैं बतौर कैप्टन चुना गया था, तो इनाम में दाएं गाल पे उंगलियों के निशान मिले थे। मोहल्ले के दोस्तों के बीच जब पहली शर्त जीत के मैंने छत पे पार्टी दी थी, तो सब दोस्तों के बीच मेरे हिस्से में जलालत आई थी। मास्टर साहब की नाज करने वाली बात सुन के मैं थोड़ा खींच गया, पर कुछ कहा नहीं, और हाथ में रिजल्ट लेके चुपचाप घर की ओर चल दिया। पर आज दिल में एक उम्मीद थी, इसलिए दिमाग में जैसे बहुत कुछ दौड़ रहा था कि शायद आज बाबूजी समझ पाएंगे कि मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, क्यों मैंने उनके फैसले के खिलाफ जाके मैथ्स पढ़ने का फैसला किया। शायद आज वो समझ पाएंगे कि उनके बायोलॉजी का टीचर होने के बावजूद भी मैं क्यों अच्छे नंबर कभी नहीं ला सका। अचानक कार के हॉर्न से मैं ख्यालों से बाहर आ गया। घर बस गली के उस पार था। बाबूजी घर पे ही होंगे, मुझको मालूम था।
आज बड़े दिनों के बाद मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मैं सीधे घर में घुसते ही बाबूजी के कमरे में चला गया। बाबूजी ने मुझको ऊपर से नीचे तक देखने के बाद तेज आवाज में पूछा, क्या है? मैंने रिजल्ट आगे बढ़ा दिया। मेरे चेहरे पे हल्की हंसी थी। बाबूजी ने माँ को आवाज लगाई और बोले, तुम्हारा बेटा सोचता है कि 11वीं में थोड़े नंबर लाके वो मेरे 25 साल के अनुभव को गलत साबित कर देगा। बोर्ड में सारी औकात पता चल जाएगी इसको। कह दो इससे अभी वक्त है, मेहनत कर ले, मैं इसके सब्जेक्ट बदलवा दूंगा। मेरी आंखें गुस्से से लाल और आंसुओं से गीली हो गई थी। माँ के कुछ बोलने से पहले ही मैं दौड़ के ऊपर अपने कमरे में चला गया। उस रोज कई घंटे तक रोता रहा। रात करीब 12 बजे माँ कमरे में आईं और बोली, बस कर तू तो इनको जानता है ना। मैं जैसे कुछ पल के लिए फट पड़ा और बोला, क्या दिया है इन्होंने मुझको आज तक? मैं कभी सामने के मैदान में खेल नहीं पाया। मोहल्ले के लड़कों से इनकी वजह से मैंने कभी दोस्ती नहीं की। किसी दिवाली इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के एक फुलझड़ी तक नहीं जलाई। होली पे कभी मुझको साथ बाजार ले जाके एक जोड़ी कपड़े नहीं दिलाए। मेरे हिस्से में आता रहा तो बस गुस्सा। हर बार स्कूल में टॉप किया, क्या अपनी जिंदगी का एक फैसला मैं खुद नहीं ले सकता? माँ ने अपने आंसू पोंछे और मुझको गले लगा के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बस कर, चुप हो जा। माँ मुझको बिस्तर पे लटा के अपने आंसुओं से भीगे हाथ से मेरा हाथ थामे सराहने बैठी रही और मैं एक उम्मीद हाथों में भींच के सो गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। सुबह फिर क्रिकेट के शोर से नींद खुली। मैं खिड़की के सामने पहुंच गया। सामने मैदान में मैच चल रहा था। अचानक लगा जैसे जिंदगी भी मैच की तरह है और मुझको एक ऐसा टारगेट मिल गया है जिसको मैं कभी चेज नहीं कर पाऊंगा। मैदान में एक छोटे से बच्चे के पीछे भागते उसके पापा को देख के मुझको लगा जैसे बाबूजी मेरे पीछे भाग रहे हैं। बाबूजी हमेशा से ऐसे नहीं थे। मुझको याद है जब छत पे खेलते वक्त मैं गिर गया था और मेरे सर से खून बह रहा था तो बाबूजी ने दौड़ के मुझको गोद में उठाया था और घर के कपड़ों में ही दौड़ के मुझको डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए थे। मेरे सर से बहते खून से उनका कुर्ता खराब हो गया था। माँ बताती हैं उस रात बाबूजी सो नहीं पाए थे और मेरे पास आके चुपचाप काफी देर तक बैठे रहे थे। स्कूल के एग्जाम के दिनों में मेरे साथ रात रात जागने वाले बाबूजी ही थे। एग्जाम के दिनों में पढ़ते वक्त जब मुझको भूख लगती थी तो आधी रात को मेरे लिए दूध गर्म करने वाले बाबूजी ही तो थे। मेरी जिंदगी से जुड़े हर फैसले को बड़ा सोच समझ कर करने वाले बाबूजी आज मेरे एक फैसले को क्यों नहीं समझ पाए? मेरी खामोशी समझ लेने वाले बाबूजी के आगे आज मेरे लफ्ज बेमतलब साबित हो रहे थे। मैं सोच में डूबा ही था कि माँ पीछे से आ गई। माँ ने चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए कहा, जल्दी से नहा ले और तैयार हो जा। मैंने कुछ कहा नहीं। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुछ पल मुझको देखते रहने के बाद मेरे बालों में हाथ फेर के वो कमरे से चली गई। माँ की इस आदत ने मेरी जिंदगी बहुत आसान की थी। अक्सर मैं जब परेशान होता हूँ तो माँ ऐसे ही मेरे माथे पे हाथ फेर के बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे मेरी तमाम चिंताओं को अपने हाथों से चुन चुन के मुझसे दूर कर देती हैं और मैं कुछ पल में खुद को मजबूत महसूस करने लगता हूँ। आज भी वैसा ही हुआ था। माँ के हाथ ने मेरे रात के दर्द को हल्का कर दिया था। मैंने भी सोचना बंद करके चाय का प्याला उठाया और मैदान में चल रहे मैच को देखते हुए एक चुस्की ली। मैदान में एक रन के लिए मची हाय तौबा पे हल्का सा मुस्कुरा के खिड़की को वापस सटा दिया। मैं नहा के आया तो घर पे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। बड़े पापा आए हुए थे। नीचे जाके पैर छुए, उन्होंने रिजल्ट के बारे में पूछा और नंबर सुनकर खुश हो गए। जेब से 100 का नोट निकाल के दे दिया। बाबूजी उनके सामने कुछ कह नहीं पाते थे। याद शहर में रिश्ते ऐसे ही तो होते थे। बड़े पापा दिवाली पे पसंद के कपड़े दिलाते थे। बड़ी मम्मी मेरे लिए आलू के पराठे और आम का अचार लेके आती थीं और दादी चल नहीं पाती थीं पर सहारा लेके धीरे धीरे मेरे कमरे में आती थीं और कभी कभी मुझको कहानियां सुनाया करती थीं। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बाबूजी की नाराजगी और घर के बदलते माहौल में मैंने खुद को अपने कमरे में कैद सा कर लिया था। अगर किसी बाहर की चीज से नाता था तो वो खिड़की से आती मैदान में चल रहे क्रिकेट मैच की आवाज। मैंने अपनी सारी बेरुखी नाराजगी किताबों के पन्नों के बीच छुपा के रख दी थी। हर रोज घंटों मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बीच मैंने खुद को इतना उलझा लिया था कि रिश्तों की उलझन से थोड़ी दूरियां बढ़ गई थीं। वक्त को सांचे में ढाल के मैंने अपना टाइम टेबल मिनट ब मिनट फॉलो करना भी सीख लिया था। टाइम भी बीतता जा रहा था, इम्तिहान की तारीखें आ गई थीं और मेरे लिए तो जैसे जिंदगी दांव पे लगी थी। मैं बेचैनी ओढ़ के सोने लगा था। सुबह बिना किसी अलार्म के दिल की तेज धड़कनों ने सूरज निकलने से पहले उठना सिखा दिया था। हमेशा खुली रहने वाली कमरे की खिड़की अब कभी कभार बंद होने लगी थी। इम्तिहान की एक रात अचानक देखा तो बाबूजी मेरी कुर्सी के पीछे खड़े थे। बोले, मेरी बात याद है ना, पढ़ाई पास होने के लिए नहीं सीखने के लिए की जाती है, पर नंबर जिंदगी का सच है ये भी नहीं भूलना चाहिए। आप कितने काबिल हैं और कितना पढ़ते हैं ये देखने कोई नहीं आता, दुनिया रिजल्ट देखती है, इसलिए आंखों की नींद को पोंछ के फेंक दो कुछ दिन के लिए। मैं बाबूजी से कुछ कहता इससे पहले ही ख्वाब टूट गया था। ये वो तमन्ना थी शायद जो नींद के बहाने दिल से निकल आई थी। इम्तिहान के दिनों में कई रोज रातों में देर तक मेरे कमरे के बल्ब सुलगते रहते थे और कभी कभी यादों में मैं भी सुलगता था। मैं फिर से स्कूल के दिनों की तरह बच्चा हो जाना चाहता था, वो बच्चा जिसके पास हर वक्त उसके सवालों के लिए एक टीचर होते थे, उसके पापा। अफसोस कि आज एक ही घर में एक जमीन पे ऊपर नीचे के दो कमरों में इतना फासला आ गया था कि एक बेटे के सवाल एक पिता के कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। खैर, एग्जाम एक एक करके बीतते गए और मेरा हौसला बढ़ता गया। बाबूजी अक्सर कहते थे, मेहनत खुद ब खुद भरोसा करना सिखा देती है। उनकी बात आज सच लग रही थी। एग्जाम खत्म हो चुके थे और मुझको रत्ती भर डर नहीं लग रहा था। एक रोज शाम को खाना खाते वक्त टीवी पे खबर आई कि याद शहर के 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट कल आ रहा है। खबर सुन के बाबूजी ने एक बार मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर पर कुछ कहा नहीं, मैं भी चुप रहा। लेकिन इस खामोशी ने चुपचाप बड़ी बात कर ली थी। बाबूजी को अपने 25 साल के अनुभव पे भरोसा था और मुझको अपनी मेहनत पे। बचपन में पंजा लड़ाते वक्त बाबूजी अक्सर जानबूझ के मुझसे हार जाया करते थे और मैं खुशी से नाचने लगता था। फिर वो मुझको गोद में उठा के बाइसेप्स दिखाने को कहा करते थे। आज फिर दिल वही चाह रहा था कि बाबूजी चुपचाप मुझको जीत जाने दें और मुझको गले लगा लें, पर बचपन की वो प्यार की हंसी अब वक्त की खामोशी में तब्दील हो गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली सुबह मैदान में मैच नहीं हो रहा था, शायद ज्यादातर लड़कों को रिजल्ट की टेंशन थी। मैं नहा धो के रिजल्ट का अखबार लेने चला गया। उन दिनों आज की तरह एसएमएस पर रिजल्ट देखने की सुविधा नहीं होती थी, पर फिर भी मेरे रिजल्ट देखने से पहले ही मेरे रिजल्ट की खबर मेरे घर वालों को लग गई थी। टीवी से पता चला था कि मैंने याद शहर के बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था। मैं भी खुशी से दौड़ता हुआ घर आया। बड़े पापा घर पे ही थे, उन्होंने मुझको घर में घुसते ही गले लगा लिया और बाबूजी पीछे के कमरे में चुपचाप लेटे थे। मेरे टॉप करने की खबर हालांकि उनको भी थी पर कुछ बोले नहीं। मैंने कमरे में जाके उनके पैर छुए, वो सर हिला के थोड़ा सा मुस्कुराए और सर पे हाथ रख दिया। मैं बहुत खुश था, जिंदगी में सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा मैं चाहता था। बाबूजी की जिद के खिलाफ जाके पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने कुछ अपने मन से किया था और कामयाबी हासिल की थी। जिंदगी जब कुछ देती है थोड़ा बहुत कुछ वापस जरूर ले लेती है। तमाम बधाइयों और तारीफों के बीच भी बाबूजी की खामोशी लगातार होने वाले दर्द की तरह बनी हुई थी। दिन गुजर रहे थे। ठीक 3 महीने 28 दिन बाद जिंदगी ने मुझको वो तोहफा दिया जिसके लिए न जाने कितनी रातें लग के मैंने पढ़ाई की थी।
आईआईटी के एग्जाम में मैंने 25वीं रैंक हासिल की थी और मुझको मेरी पसंद की आईआईटी से एडमिशन के लिए कॉल आ गया था। घर में सब बहुत खुश थे, बस बाबूजी चुप थे, जैसे किसी बाग का सबसे बूढ़ा पेड़ किसी कोने में रह के चुपचाप सबको छांव देता है। ठीक वैसे ही बाबूजी ने मेरी फीस माँ को देके मुझको जाने की इजाजत दे दी थी। मैं खुशी से झूम उठा था। मेहनत का स्वाद पहली बार इतना मीठा लग रहा था। मैं इस खुशी में इतना मशगूल हो गया था कि बस आने वाली जिंदगी के सपने बुनने लगा। घर की खामोशी नजरों के सामने होके भी नजर नहीं आई। एक रात सोने से पहले माँ कमरे में आई और बिस्तर पे बैठे मेरे माथे पे हाथ फेरती रहीं, फिर उठ के चली गईं। मेरी तकलीफों को हमेशा छू मंतर कर देने वाली माँ आज अपनी तकलीफ नहीं कह सकी थी। मैं समझ गया था कि माँ नहीं चाहती थी कि मैं बाबूजी को इस तरह दुखी करके जाऊं, पर मैं कुछ कह नहीं सका। मुझको अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र थी, मुझको अपने सपने सच करने थे, मुझको लग रहा था कि बाबूजी कहीं पीछे रह गए थे। मुझको मालूम था मुझको चुनना पड़ेगा और मैंने तय कर लिया था मैं आंसुओं और भावनाओं के आगे नहीं टूटूंगा। मैंने बाबूजी और अपने सपनों में से उस रोज सपनों को चुना था, आईआईटी जाके इंजीनियर बनने का फैसला कर लिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आईआईटी की पढ़ाई और वहां की अलग सी दुनिया में मैं खो गया था। दोस्तों के साथ कैंपस में अलग दुनिया बन गई थी। रात रात भर जागना, दोस्तों के साथ 2 बजे बास्केटबॉल खेलना और कैंटीन की कटिंग चाय में याद शहर की वो गली तो जैसे बहुत पीछे छूट गई थी। घर पे फोन करने का सिलसिला भी कम होने लगा था। किसी किसी हफ्ते माँ से बात हो जाती, लेकिन बाबूजी की खामोशी मेरी आदत बन चुकी थी। मैंने अनजाने में अपनों से दूरियां बढ़ा ली थी। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के वक्त थोड़ी घबराहट हुई तो एक बार माँ की याद आई, पर फोन नहीं कर सका, बिजी था। खैर, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और कुछ रोज में ही मैं दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में ऊंची सैलरी वाला इंजीनियर बन गया था। माँ को फोन पे खबर दे दी थी। माँ थोड़ी परेशान थी, पूछा, तू क्या घर आएगा? मैंने थोड़ा खींच के कहा, माँ बहुत काम है, अभी नई नौकरी है, तुम समझती क्यों नहीं? माँ कुछ बोलती इससे पहले ही मैंने फोन काट दिया। अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। कंपनी की तरफ से मिले बड़े फ्लैट में रहने लगा था। नौकरी बढ़िया चल रही थी, कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। हाँ, अब बस वक्त थोड़ा कम मिलता था, इसलिए घर वालों से बात ज्यादा हो नहीं पाती थी। 8 महीने बीत चुके थे। एक रोज मीटिंग के बाद पता चला कि मुझको प्रमोशन दिया गया है। मैं बहुत खुश था। बॉस से बात कर ही रहा था कि मोबाइल फोन बजा। घर से था, मैंने काट दिया। ऐसे ही 4 बार फोन बजा और मैं काटता रहा। बहुत गुस्सा आ रहा था घर वालों पे। खैर, बॉस से बात खत्म होने पे करीब आधे घंटे बाद मैंने घर कॉल किया। माँ ने फोन उठाया और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं चीख पड़ा, माँ आप समझ नहीं सकती हो, मैं बिजी हूं। माँ ने सिसकते हुए कहा, तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे। पहली फ्लाइट पकड़ के मैं 4 घंटे में याद शहर पहुंच चुका था। सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं पिताजी की चिता को आग देके घर लौटा ही था कि पड़ोस के एक अंकल दिलासा देते देते बोले, बहुत तकलीफ उठाई प्रिंसिपल साहब ने, अस्पताल के चक्कर लगा लगा के उनकी हालत खराब हो गई थी, हर कोई बस दर्द कम करने की दवा देके दिलासा दे रहा था। अगर कोई अच्छा डॉक्टर याद शहर में होता तो तुम्हारे बाबूजी आज जिंदा होते। मेरी आंखों में आंसुओं की एक नदी सी बहनी शुरू हो गई। मैं वहीं जमीन पर फूट फूट के रोने लग गया। मैं खुद की नजरों में गिर गया था। मैं कितना खुदगर्ज था अपने सपनों को लेके। अगर बाबूजी की खातिर डॉक्टर बनता तो शायद बाबूजी आज जिंदा होते। अगली सुबह खिड़की खोली तो सामने मैदान में न कोई क्रिकेट का खेल चल रहा था, न कोई बच्चा था, न शोर न खुशी, बस जिंदगी का एक अंतहीन मैदान सा था। और मेरे पीछे जैसे बाबूजी मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे थे, हो सकता है मैं गलत था, लेकिन कभी अपनी जिंदगी को मेरे नजरिए से देखने की कोशिश तो करता। बचपन से बड़े होने तक
अपने कमरे की खिड़की से सामने मैदान पे जिंदगी का जो मैच मैं देखता आया था वो आज आखिरकार हार गया था। बस इतनी सी थी कहानी।